गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर सोशल साइंस क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 8 हिस्ट्री पोर्शन, चैप्टर 8 वुमन कास्ट एंड रिफॉर्मर्स। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ द सिचुएशंस ऑफ पास्ट अकॉर्डिंग टू फ्यूचर। वुमन की कैसे सिचुएशन पहले पास्ट में थी, फिर फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे या अभी क्या चेंजेस है, वो सब हम स्टडी करेंगे। अनदर वर्ड है कास्ट, मतलब कास्ट सिस्टम तक का तो अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा था, पर पास्ट में बहुत ही कास्ट सिस्टम का इश्यूज था। तो वो क्या था, फिर उसमें कौन से चेंजेस आए, कि कौन किन लोगों ने वो चेंजेस किए, वो सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और रिफॉर्म मतलब कि सुधारक। ओके, लेट स्टार्ट। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव अबाउट 200 ईयर्स अगो। नाउ डेज मोस्ट गर्ल फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल एंड ऑफन स्टडी विथ बॉयज। मतलब कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि 200 साल पहले बच्चे किस तरीके से रहते थे। अभी के टाइम में तो जो मिडिल क्लास फैमिली की गर्ल्स हैं वो भी स्टडी के लिए स्कूल जाती है और वो बॉयज के साथ साथ में बैठकर पढ़ती हैं। ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। जैसे ही बड़े होते तो उनमें से कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में भी स्टडी करने के लिए गए। एंड टेक अप अ जॉब्स आफ्टर डेथ, और उसके बाद वो प्रॉपर जगह पे जॉब भी कर रहे हैं। दे हैव टू बी एडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी एंड विडो कैन री मैरी टू। मतलब कि जैसे कि गर्ल है वो लीगली, मतलब कि अगर वो एडल्ट हो जाए तो वो लीगली किसी भी कास्ट के लड़के से, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसको वो राइट्स है कि वो अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकते हैं और साथ ही साथ विडो मतलब जो विधवा होती है वो भी फिर से मैरिज कर सकती है। ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन। मतलब सारी वुमेन मैन के बराबर है और उन लोगों को भी राइट्स मिल गए हैं अभी कि वो भी मैन के जैसे वोट कर सके। एक्चुअली दिस राइट्स आर नॉट एक्चुअली एन्जॉय बाय ऑल। पुअर पीपल हैव अ लिटल और नो एक्सेस टू एजुकेशन एंड इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स। मतलब कि ये जो लॉ था वो सभी के लिए अप्लाई नहीं होता, इससे बहुत लोग दुखी भी थे। मतलब कि जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे उनमें क्या था कि गर्ल्स को स्टडी करने की भी परमिशन नहीं मिलती थी, और साथ ही साथ कई फैमिलीज में तो ऐसा भी होता था कि उस गर्ल को अपने हस्बैंड जिसके साथ उसको पूरी अपनी लाइफ स्पेंड करनी है वो भी चूज करने का, वो भी चॉइस करने का ऑप्शंस नहीं मिलता था। 200 years ago things were very difficult। या अभी भी थोड़ा बहुत तो चल रहा है, पर सोचो 200 साल पहले तो इससे भी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी। मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरी ऑफ एट एन अर्ली एज। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी वन मोर देन वन वाइफ इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री। विडो वर प्रेस इफ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल फ्यूनरल ऑफ देयर हस्बैंड। मतलब कि पहले क्या होता था कि छोटी एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, और पहले ऐसा लॉ नहीं था कि पहले तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मैन एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे। अभी के टाइम पर तो क्या है कि अगर कोई हिंदू मैन है वो एक से ज़्यादा शादी करे तो वो इलीगल माना जाता था, पर पहले ऐसा नहीं होता था। और साथ ही साथ जो विडो होती थी, जो विधवा होती थी, उनको प्रेज दी जाती थी, मतलब उनकी तारीफ की जाती थी। क्यों? अगर वो अपने हस्बैंड की जो फ्यूनरल हो, मतलब कि जो चिता हो उस पे बैठ के बेड से जिंदा जलने के लिए रेडी हो जाए तो उसको प्रेज देते थे, सब लोग उसकी तारीफ करते थे। यहाँ पे एक वर्ड है कि ऐसी लेडी जो अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पे लिव मतलब जिंदा ही जलने के लिए रेडी हो जाए तो उसको उस टाइम पे सती बोला जाता था, सती का टेक दिया जाता था। जैसे कि वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती, मीनिंग वर्चुअस वुमेन। वर्चुअस मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत ही देवी जैसी स्त्री उसको माना जाता था। वुमेन्स राइट्स टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड। बिसाइड मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। मतलब कि वुमेन्स के जो राइट्स थे वो रेस्ट्रिक्टेड किए जाते, मतलब उसको अपने आप से फ्रीडम नहीं मिलती थी, उसको एजुकेशन का भी राइट्स नहीं मिलता था। इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ अ वुमेन वॉज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो। पहले के टाइम के लोग क्या सोचते थे कि अगर के वो लेडीज है वो अगर पढ़ लेगी तो उसका हस्बैंड मर जाएगा। वो पहले के टाइम पे ऐसे ऑर्थोडॉक्स लोग थे, ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़ीवादी, मतलब बहुत ही कम मतलब के पुराने ख्याल वाले।
Differences between men and women were not the only ones in society. In most region, people were divided along the lines of caste. मतलब men और woman का जो difference है वो एक society में नहीं बहुत ही सारे region में issue था और साथ ही साथ caste system का issue भी past में बहुत था. ब्राह्मण एंड क्षत्रिय कंसाइडर देमसेल एज अपर कास्ट. वह पहले हमने आगे के स्टैंडर्ड में स्टडी किया था दो फोर डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है. कौन सी है? क्षत्रिय, पची राजा जो होते क्षत्रिय मतलब के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. मतलब वैश्य जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं वो, और जो शूद्र होते हैं मतलब कि वो बहुत जो टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं वो उनको बहुत ही इन्फीरियर मतलब कि नीचा माना जाता था. तो ब्राह्मण और क्षत्रियों ने अपने आप को ही खुद से अपने आप को अपर कास्ट में ले लिया. अदर सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑफन रिफर टू एज अ वैश्य. मतलब कि जो मनी लेंडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, जो ट्रेडर्स थे वो वैश्य कहलाने लगे. वर प्लेस आफ्टर देम. देन केम पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस सच एज वीवर्स एंड पोर्टर्स रिफर टू एज अ शूद्र. मतलब जो वीवर्स होते थे, जो पोर्टर्स होते थे, उन लोगों को शूद्र माना गया था. एट द लोएस्ट रंग वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेज क्लीन और वर्क एट जॉब दैट अपर कास्ट कंसिडर्ड पॉल्यूटिंग. मतलब कि अपर कास्ट के लोग क्या समझते थे कि जो ये शूद्र लोग हैं मतलब कि जो सिटी और विलेजेस क्लीन करते हैं, अगर वो लोग हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ बैठने लगेंगे तो हम पॉल्यूट हो जाएंगे, वो हमको पॉल्यूट कर देंगे. द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दिस ग्रुप एट द बॉटम एज अनटचेबल. मतलब अपर कास्ट के कई लोग उनको बहुत ही नीचा दिखाते थे, उनको अनटचेबल मतलब छूत अछूत ऐसा मानते थे कि उनको छूना, उनके हाथ से उनको छू नहीं सकते, उनकी छुई हुई चीज हम ले नहीं सकते, ऐसे तो उसको अनटचेबल कहा जाता था. तो अपर कास्ट अपने आप को सुपीरियर समझते थे और जो ये निचली कास्ट के लोग थे उनको इन्फीरियर समझते थे. They were not allowed to enter a temple, draw water from the well used by the upper caste, or bath in the pond where upper caste bathed. मतलब कि उनको टेम्पल में, मंदिर में आने का मना बोल दिया गया था. वो लोग कुएं में से पानी नहीं निकाल सकते थे. जिस बाथ में, जिस जगह पे अपर कास्ट वाले बात कर रहे मतलब नहा रहे होते उस रिवर में उनको जाने का परमिशन नहीं होती थी. देर वर सीन एज ए इन्फीरियर ह्यूमन बींग. उनको इन्फीरियर मतलब कि नीचे ह्यूमन बींग्स हो, नीचे हो, नीचे कक्ष के हो, ऐसा उनको माना जाता था. ओवर द 19th and 20th centuries, मैनी ऑफ दीज नोम्स एंड प्रिसेप्शंस स्लोली चेंज. लेट अस सी हाउ दिस हैपन. मतलब कि जो 19th और 20th की सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तो इन सभी में धीरे धीरे चेंजेस आने लगे. तो क्या चेंजेस आने लगे और किसने ये चेंजेस कहे, तो आगे के टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे. ठीक है. अवर अनदर टॉपिक दैट इज वर्किंग टूवर्ड चेंज. मतलब कि क्या क्या चेंजेस आए और उनके लिए किन लोगों ने वर्क किया, काम किया, वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी वी फाइंड द डिबेट्स एंड डिस्कशन अबाउट द सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन अ न्यू कैरेक्टर. मतलब कि जो 19th की जो सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में डिबेट चर्चा होने लगी, फिर डिस्कशन होने लगा कि ये पहले की जो प्रैक्टिसेस मतलब ये जो प्रथा है उसमें चेंजेस आना चाहिए, नया कैरेक्टर लाना चाहिए. मतलब कि ये अब बहुत हो गया, अब ऐसी मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए. One important reason for this was the development of new form of communications. अब ये changes आने का मतलब changes होने का main important point क्या था कि communications मतलब कि पहले इतने mobiles, telephones, ये IT department इतना improve नहीं हुआ था. जैसे कि अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ वो communicate कर रही हूँ, आप mobiles पे videos देखते हो, अपनी study का काम करते हो. तो पहले के time पे क्या होता था कि ऐसे सब लोग इस तरीके से study भी नहीं कर सकते थे. मतलब जैसे जैसे communication बढ़ता गया, उसमें development आता गया, तब जाके ये चेंजेस होने लगे. फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लिफेल्ट्स एंड पैम्पलेट्स वर प्रिंटेड. मतलब पहली बार मैगजीन, न्यूज़पेपर और जो पैम्पलेट्स होते वो सब प्रिंट होने लगे. एंड दीज वर फॉर फार चीपर एंड फार मोर एक्सेसिबल देन द मैन्युस्क्रिप्ट दैट यू हैव रीड. मतलब कि और ये जो थी जो मैन्युस्क्रिप्ट, पहले इनिशियल टाइम में जो बुक्स लिखी जाती थी हैंड रिटन, उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे. तो वो मैन्युस्क्रिप्ट से ये वो हैंड रिटन थी तो वो बहुत ही कॉस्टली थी और ये बहुत ही चीपर थी. तो देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दिस एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडिया इन देयर ओन लैंग्वेजेस. मतलब जो ऑर्डिनल पीपल थे तो वो लोग पढ़ने लगे, उनमें से कई लोगों ने उसमें अपना आइडियाज वो भी लिखा अपनी लैंग्वेजेस में.
ऑल काइंड ऑफ इश्यूज, मतलब सभी तरह के इश्यूज यहाँ पे सॉल्व होने लगे और उनके बारे में लिखा गया, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, रिलीजियस हो, कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस बाय मैन इन द न्यू सिटी. मतलब कि उन सभी के बारे में डिस्कस करने लगे. मैन के साथ साथ वुमेन भी कही थी तो वो कुछ ऐसे बुक्स वगैरह लिखने लगी, अपने आइडिया एक्सप्रेस करने लगी. द डिस्कशन कुड रीच आउट द वाइडर पब्लिक एंड कुड बिकम अ लिंक टू मूवमेंट ऑफ सोशल चेंजेस. और ये जो डिस्कशंस था वो उसी की वजह से ये बुक्स सब लोग पढ़ने लगे, उसी वजह से लोग ये चेंजेस क्या हो रहे थे उनके साथ लिंक होने लगे, कनेक्ट होने लगे. दिस डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएट बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्मर्स ग्रुप. मतलब कि ये जो डिबेट थी जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे, इंडिया भारत के जो रिफॉर्मर्स मतलब जो समाज सुधारक मतलब जो ये सब चेंज लाते थे वो उनका एक ग्रुप था. वन सच उनमें से एक रिफॉर्मर थे जिसके बारे में अब इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे, वो थे राजा राम मोहन रॉय. वन सच रिफॉर्मर वॉज राजा राम मोहन रॉय, जिनका बॉर्न हुआ था 1772 को. ही फाउंडेड अ रिफॉर्मर एसोसिएशन नॉन एज द ब्रह्म सभा, लेटर नॉन एज द ब्रह्म सभाज. उन्होंने ये चेंजेस लाने के लिए एक एसोसिएशन का एस्टेब्लिश किया जिसको पहले ब्रह्म सभा बोलते थे, बाद में उसका नाम ब्रह्म समाज कहने लगे इन कोलकाता. कोलकाता में उन्होंने एक एसोसिएशन स्टार्ट किया था. पीपल सच एज राजा राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब्ड एज अ रिफॉर्मर्स. मतलब पीपल राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग थे उनको रिफॉर्मर्स कहा गया. क्यों? बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी, अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीड टू बी डन अवे विथ. मतलब कि वो समझते थे, वो कहना चाहते थे कि सोसाइटी में चेंजेस लाना जरूरी है और जो अनजस्ट मतलब कि जो जरूरी नहीं है, जिनसे लोगों का बुरा हो रहा है, वो जो प्रैक्टिसेस है, वो जो प्रथा है, वो अब खत्म कर देनी चाहिए. दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू इंश्योर सच चेंजेस वॉज बाय प्रिश्योरिंग पीपल टू गिव अप ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड एडॉप्ट अ न्यू लाइफ. वो बोलते थे अगर लोगों में चेंजेस लाना तो क्या करना पड़ेगा, ये जो ओल्ड प्रैक्टिसेस है उनको चेंज करके न्यू है लाइफ वो एडॉप्ट करनी चाहिए. इसी वजह से उनके लाइफ में चेंजेस आ सकते थे. राजा राम रॉय वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन कंट्री एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन. वो कहना चाहते थे कि जो वेस्टर्न का जो एजुकेशन है वो हमें इंडिया में स्टडी करवाना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसी वजह से लोग होते हैं वो अवेक होंगे और वुमेन को भी इक्वालिटी मिलेगी. ही रॉट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स टू बेयर अ बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क एंड कॉन्फिन टू होम एंड द किचन एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम अ एजुकेटेड. मतलब कि वो उन्होंने बोला कि उस टाइम पे वुमेन को क्या किया जाता था, बर्डन दिया जाता था, फोर्स करते थे किसके लिए, डोमेस्टिक वर्क मतलब जो घर का झाड़ू पोछा है, किचन का है, कुकिंग का है, वो सभी करने को देते थे. उनको बाहर भी नहीं जाने मिलता था और ना ही उसको एजुकेशन भी मतलब कि एजुकेटेड होने का भी मौका मिलता था. चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज. अब इन्होंने जैसे ही आए तो उन्होंने विडोज की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए. तो क्या चेंजेस हुआ वो हम स्टडी करते हैं. राजा राम मोहन रॉय वॉज द पर्टिकुलरली मूव बाय द प्रॉब्लम्स विडो फेस इन देयर लाइव्स. मतलब उन्होंने खुद ही अपनी लाइफ में जो विडो ने अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स फेस की है वो अपने खुद ही देखा था. ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती. उन्होंने इस प्रैक्टिस ऑफ सती मतलब जो सती प्रथा थी उनको खत्म करने के लिए, उनको नाबूद करने के लिए पूरा कैंपेन स्टार्ट किया. राजा राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्ड्स इन संस्कृत, पारसियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस. अब ये जो राजा राम मोहन रॉय थे वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे जैसे कि संस्कृत, पारसियन, सेवरल इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस. He tried to show through his writing that the practice of widow burning had no sanction in ancient texts. उन्होंने अपनी बुक्स में ये लिखा कि सती प्रथा मतलब कि स्त्री को अपने जिसके हस्बैंड मर जाए उसके पीछे उसकी फ्यूनरल पे उसकी चिता पे जिंदा जला देना वो हमारे एनिशियंट मतलब पहले के टेक्स्ट में भी कई जगह पे ये मेंशन नहीं है, सेंशन नहीं है कि ऐसा करना है, ये ऐसा करना कंपल्सरी है. बाय द अर्ली 19th century हमने जो चैप्टर 7 में पढ़ा था कि जो मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल थे ऑल्सो बिगेन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम. आगे हमने 7 chapters में स्टडी किया कि जो पहले के जो ब्रिटिश मतलब कि ब्रिटिश लोग थे उन्होंने हमारी जो इनिशियंट इंडियन कस्टम्स और जो कल्चर था उनको बहुत ही क्रिटिसाइज किया कि ये नहीं होना चाहिए, बहुत ही बुरी बात है.
They were therefore more than willing to listen. The Raja Ram, who was reputed to be a learned man, in 1829 Sati was born. मतलब कि अब राजा राम मोहन राय थे वो एक well educated और एक reputed man थे, इसी वजह से इन सभी की इनकी बात सब सुनते थे और वो जो सिखाते थे वो सब समझते थे और उनकी बात को ध्यान में रखते 1829 को सती वॉज बैन. हियर आज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, इन विच सेंचुरी इन विच ईयर द सती वॉज बैन, तो द आंसर इज 1829. द स्ट्रेटर्जी एडॉप्टेड बाय द राजा राम वॉज यूज बाय अ लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल एज, मतलब उन्होंने जो स्ट्रेटर्जी रखी थी राजा राम मोहन राय ने वो उनके बाद के जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी ये चीज़ें एडॉप्ट कर ली, उनसे ये चीज़ सीख ली ले ली. Whenever they wish to challenge a practice that seem harmful, they try to find a verse or sentence in ancient sacred text that supported their point of view and then they suggest that the practice as it is existed at present was against early tradition. मतलब कि अगर और भी कोई जो नए reformers थे वो भी कोई जो practices थी प्रथा थी उनको खत्म करना चाहते थे तो लोग उन पर believe ना करें तो उनकी जो पवित्र sacred book text मतलब के सेक्रेट टेक्स्ट मतलब कि जो पवित्र टेक्स्ट होती है बुक्स होती उनमें से उनको समझाया जाता था कि देखो पहले के टाइम पे भी ऐसा कहीं पे भी सेंशन नहीं किया है, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि ये सब करना चाहिए. देखिए यहाँ दिस इज द पिक्चर ऑफ हुक स्विम फेस्टिवल. हुक स्विमिंग फेस्टिवल में क्या होता था, जो अनटचेबल लोग होते थे जो इन्फीरियर लोग होते थे उनके हाथों में हुक लगा के फिर उनको ऐसे लटका दिया जाता था और उनको ये बहुत ही बुरे तरीके से उनके साथ बिलीव किया जाता था. फॉर इंस्टेंट अब जैसे हमने राजा राम मोहन राय के बारे में स्टडी किया, अब ये की दूसरे रिफॉर्मर्स है जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज टू एनिशियंट टेक्स्ट टू सजेस्ट द विडो कुड रीमैरी. अब जैसे राजा राम मोहन राय थे उन्होंने सती प्रैक्टिस बैन की, अब ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने एनिशियंट टेक्स्ट को रीड करके उनको बताया विडो को कि आप रीमैरी कर सकते हो. His suggestion was adopted by British official and law was passed in 1856 permitting widow remarriage. उनकी ये जो बात सुन के ब्रिटिश लोगों को भी अच्छी लगी तो उन्होंने एक लॉ पास किया 1856 में, तो 1856 में विडो को भी रीमैरिज करने का मौका मिला. तो हियर आर द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज नोट डाउन के इन विच ईयर लो पा इन विच ईयर विडो रिमैरिज लो पास, कौन से साल में विडो रिमैरिज लो पास हुआ, तो इन 1856 पर किसने करवाया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर. इवन विडोज दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडो अपोज द विद्यासागर एंड इवन द बॉयकॉटेड हिम. मतलब जो लोग रीमैरिज मतलब के जो अभी पुराने ख्यालत वाले हो जो ऑर्थोडॉक्स पीपल हो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी तो उन लोगों ने विद्या चंद्र सागर का अपोज भी किया और उनको बॉयकॉट भी करने का सोचा. बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. अब 19th सेंचुरी के सेकेंड पार्ट में ये विडो रीमैरिज का लॉ तो पास हो गया था पर ये पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया. इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी वर्सिलंगम पटलन्नु फॉर्म एज एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज. इनका ही सुन के बंगाल में मद्रास में एक पर्सन थे, क्या नाम था उनको, वीर सलिंगम पांटलू ये उनका नाम था. उन्होंने एक मद्रास में एसोसिएशन खोला किसके लिए, विडो रीमैरिज के लिए. अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेडेड themselves फॉर वर्किंग फॉर द सेम कोर्स. और उसी वक्त बॉम्बे में अलग एक यंग रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी प्लेज मतलब कि प्रतिज्ञा ली कि हम भी विडो रीमैरिज के लिए काम करेंगे. इन द नॉर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती. अब जैसे कि हमने राजा राम मोहन राय एक रिफॉर्मर्स थे, दूसरे विद्या चंद्र सागर थे, अब तीसरे एक रिफॉर्मर्स है जिनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो है स्वामी दयानंद सरस्वती. स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द रिफॉर्मर एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज. या एक क्वेश्चन ये भी है कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि हु इज एस्टेब्लिशिज द ब्रह्म समाज, तो द आंसर इज राजा राम मोहन राय. बट हु इज एस्टेब्लिशिज एसोसिएशन ऑफ आर्य समाज, तो आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती.
एंड स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज एसोसिएट किया, एक आर्य समाज का एक एसोसिएशन बनाया, वो भी विडो रिमैरिज को सपोर्ट करते थे. येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रिमैरिड रिमेन्ड लो. दोज हु मैरिड वर नॉट इजिली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ. मतलब ऐसी कई विधवा थी जो विडो थी, वो रीमैरिज तो करना चाहती थी, उन्होंने रीमैरिज भी किया, पर जो सोसाइटी के लोग, सोसाइटी थी, कई ऐसे लोग भी थे, उन लोगों ने अभी तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया और उनका अपोज किया. अब हमारा एक दूसरा टॉपिक है, गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल. मतलब गर्ल्स स्कूल कैसे जाने लगे, ऐसे कौन से चेंजेस आए, किस तरीके से उनको भी फ्रीडम मिली स्कूल में जाने के लिए, तो इस टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे. मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन. ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर वुमेन की लाइफ में चेंजेस लाना है, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना है, तो उनको एजुकेटेड करना जरूरी है. तो विद्यासागर इन कलकत्ता इन मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप अ स्कूल फॉर गर्ल्स. एक विद्यासागर थे कलकत्ता में और दूसरे बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने बॉम्बे में गर्ल्स की स्कूल एस्टेब्लिश की स्टार्ट की. When the first school were opened, the mid 19th century. Here are the another important questions for you. In which century the first girl school were opened? So mid 19th century. Many people were afraid of them. They feared that school would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties. Moreover, girls had to travel थ्रू अ पब्लिक प्लेसिस इन ऑर्डर टू रीच अ स्कूल. कई लोग ये जब लॉ मतलब कि ये स्कूल स्टार्ट हुई तो कई लोग डर गए, क्यों कि अब ये डोमेस्टिक वर्क मतलब कि घर का काम कैसे होगा, कौन करेगा. साथ ही साथ अगर गर्ल्स स्कूल जा रही है तो मार्केट मतलब कि वो स्कूल जा रही है तो ऐसे बहुत सारे प्लेस होंगे जहाँ से उसको गुजरना पड़ेगा. तो मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑन देम. तो कई लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये गलत है, तो उन लोगों ने उसमें भी इन्फ्लुएंस किया और उसका प्रोटेस्ट किया. दे फेल्ट दैट गर्ल शुड स्टे अवे फ्रॉम अ पब्लिक स्पेसिस. ये ऐसा सोचते कि पब्लिक प्लेस से गर्ल को दूर रहना चाहिए. Therefore, throughout that the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands. ये अपोज तो होता रहता था, तो इतने लोग स्कूल नहीं जा पाते, पर 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में ऐसी बहुत सारी लेडीज थी जिनके लिबरल्स हस्बैंड या फादर्स, लिबरल मतलब फ्रीली सोचने वाले लोग थे, जैसे उनके फादर्स या हस्बैंड, उनकी हेल्प से वो लोग ने एजुकेशन एजुकेटेड हुए. समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्फ. कई बार वुमेन्स अपने आप से ही अपने आप खुद स्टडी कर देती थी. उसका एक एग्जाम्पल है रसुंधरी देवी. रसुंधरी देवी एक सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमने आगे के लेसन में हमने स्टडी किया था. शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट. ये क्या थी कि अपने बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते अगर अपने बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते वो पढ़ता था अपना बच्चा, उसकी बुक्स देख के उसने जो फटे हुए पेज निकाले उस एक एक पेज को जोड़ के वो कैंडल मोमबत्ती की लाइट्स में वो रात को पढ़ के एजुकेटेड हुई थी. इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर एस्टेब्लिशेड बाय द आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिबा फूले इन महाराष्ट्र. मतलब कि उसके बाद आर्य समाज ने गर्ल्स के लिए स्कूल एस्टेब्लिश की और साथ ही साथ महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले करके एक अनदर रिफॉर्मर्स है जिनके बारे में हम आगे के टॉपिक में स्टडी करेंगे, उन्होंने भी गर्ल्स के लिए स्कूल एस्टेब्लिश की. इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम. अब यहाँ पे एरिस्टोक्रेटिक मतलब कि जो मतलब भी बहुत ही रिच मुस्लिम थे वो हाउस होल्ड इन नॉर्थ इंडिया वुमेन लर्न टू रीड ए कुरान इन अरेबिक. मतलब कि इन मुस्लिम लोगों ने भी अपने या वहाँ की लेडीज को वुमेन को कुरान सिखाई अरेबिक लैंग्वेज में. दे वर टॉट बाई वुमेन हु केम होम टू टीच. सम रिफॉर्मर सच एज मुमताज अली इज अ रिप्रेजेंटेड वर्ड्स फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन. मतलब कि ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स मुस्लिम में भी थे, उन्होंने कुरान में भी जो ऐसा बोला है कि कुरान में भी जो लेडीज़ के बारे में जो बातें बोली थी कि उन्होंने बोला कि कुरान पढ़ना लेडीज़ का भी राइट्स है तो उनको वो पढ़ना चाहिए और उनके खिलाफ जो भी कुछ बात है उनके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट भी लिया था. द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी. इसी वजह से लेट 19th सेंचुरी में फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स भी स्टार्ट हुई
Amongst the other things, these were meant to encourage women to read about the religions and domestic management in a languages they could understand. और उसी तरीके से वुमेन्स को अपने ही लैंग्वेज में डोमेस्टिक मैनेजमेंट के साथ अपने ही लैंग्वेज में वो सब स्टडी कर सके, ऐसा अरेंजमेंट किया गया है. अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है वुमन राइट अबाउट वुमन. अब क्या थी कि वुमन एजुकेटेड तो होने लगी थी, तो वुमन भी अपने लिए वुमन वुमन के लिए लिखने लगी. इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे. थैंक यू.